तो बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, आपको बता दें सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। विशेष रात्रि भोज कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे। अफ्रीकी देशों के राजदूतों के लिए यह रात्रि भोज किया जाएगा। रात्रि भोज में अफ्रीकी देशों के उच्चायुक्त शामिल होंगे। राजनयिक संबंधों पर भी चर्चा की जाएगी। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर रहेंगे, विशेष रात्रि भोज कार्यक्रम में मेजबानी करेंगे। अफ्रीकी देशों के राजदूतों के लिए रात्रि भोज होगा। रात्रि भोज में अफ्रीकी देशों के उच्चायुक्त शामिल होंगे। राजनयिक संबंधों पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तो सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं, विशेष रात्रि भोज कार्यक्रम में मेजबानी करेंगे। अफ्रीकी देशों के राजदूतों के लिए रात्रि भोज किया जाएगा। रात्रि भोज में अफ्रीकी देशों के उच्चायुक्त शामिल होंगे। मंत्री अनिल विज ने कहा कि पुलिस की डायल 112 सुविधा के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि औसतन हिसाब से 112 नंबर डायल करने पर पुलिस की गाड़ी 8 मिनट 13 सेकंड में निर्धारित स्थान पर पहुंच जाती है, यानी आवाज लगाने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस की इस तत्परता की वजह से प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण हुआ है और इस सेवा के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बयान दिया कि प्रदेश में सरकारी अस्पताल में दवाइयों की कोई कमी नहीं है। विपक्षी दलों की बैठक के बारे में सवाल करने पर बोला कि ये सब राजनीतिक पार्टी न होकर टी पार्टी है, दिन में लड़ते हैं, रात को एक साथ बैठकर टी पार्टी करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए किसानों की बेशकीमती जमीन सस्ते दामों में बिल्डर्स को बेच दी, उनके खिलाफ न्यायालय में और भी मामले हैं। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष रणबीर ढाका, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य अजय बंसल, रमेश भाटिया सैनी आदि मौजूद थे। ये जो संजय ये पार्टी पार्टी है, ये दिन को तो लड़ते हैं थोड़ा शो में एक दूसरे के साथ और रात को बैठ के चाय पीते, ये टी पार्टी है। और आप इनका हाल देखना, अभी तो शुरुआत ही हुई है। दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस लड़ रहे हैं, पंजाब में आप और दूसरे कांग्रेस लड़ रहे हैं, जगह जगह पर अभी चलने को देखते हैं। ने हरी झंडी दिखाकर नशा मुक्त साइक्लोथोन का आगाज किया। नशे के खिलाफ साइकिल यात्रा को हरी झंडी दी है। 25 दिन तक प्रदेश के हर जिले में यह यात्रा की जाएगी। नशे के खिलाफ जागरूक करना यह लक्ष्य है। हरियाणा की सभी संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं। सभी 22 जिलों में यात्रा करेगी यह साइक्लोथोन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह घोषणा की है। बड़ी जानकारी आपको करनाल से दे रहे हैं। नशा मुक्त साइक्लोथोन का आगाज हो चुका है। सीएम मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर आगाज किया। नशे के खिलाफ साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई है और 25 दिन तक प्रदेश के हर जिले में ये यात्रा की जाएगी। तो नशे के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है हरियाणा सरकार की तरफ से। और रागरी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये घोषणा की थी कि साइक्लोथोन का आगाज होगा और अब साइक्लोथोन का आगाज हो चुका है। सीएम मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर उसका आगाज किया। नशे के खिलाफ साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। 25 दिन तक प्रदेश के हर जिले में ये यात्रा की जाएगी। नशे के खिलाफ जागरूक करना एकमात्र लक्ष्य। तो हरियाणा की सभी संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं। सभी 22 जिलों में यात्रा करेगी ये साइक्लोथोन और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये घोषणा की है। बड़ी जानकारी करनाल से आपको दे रहे हैं। नशा मुक्त साइक्लोथोन का आगाज हो चुका है। सीएम मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर आगाज किया। नशे के खिलाफ साइकिल यात्रा निकाली जाएगी और 25 दिन तक प्रदेश के हर जिले में ये यात्रा की जाएगी। तो नशे के खिलाफ साइक्लोथोन का आगाज किया गया है क्योंकि हरियाणा में लगातार नशे को लेकर खबरें सामने आती रहती हैं और इसी को लेकर नशा मुक्त साइक्लोथोन का आगाज हुआ है। सीएम मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर नशा मुक्त साइक्लोथोन का आगाज किया। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 25 दिन तक प्रदेश के हर जिले में ये यात्रा की जाएगी। नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाएगा। हरियाणा की सभी संस्थाएं मिलकर नशा मुक्त साइक्लोथोन को लेकर काम कर रही हैं।
तो सभी 22 जिलों में यात्रा की जाएगी। नशा मुक्त साइक्लोथोन का आगाज हो चुका है और 25 दिन तक प्रदेश के हर जिले में ये यात्रा की जाएगी। तो करनाल से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, नशा मुक्त साइक्लोथोन का आगाज हो चुका है। सीएम मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर नशा मुक्त साइक्लोथोन का आगाज किया। नशे के खिलाफ साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई है और नशे के खिलाफ आपको बता दें कि 25 दिन तक प्रदेश के हर जिले में ये यात्रा की जाएगी। नशे के खिलाफ जागरूक करना ही एकमात्र लक्ष्य है, क्योंकि हरियाणा में लगातार नशे की खबरें सामने आती हैं और इसी को लेकर नशा मुक्त साइक्लोथोन का आगाज किया गया है। शहर में बने कैफे और होटलों में अनैतिक कार्य और बाहर से लड़कियां बुलाने की सूचना पर पुलिस ने कैफे और होटलों में छापेमारी की, जहां इस दौरान वहां हड़कंप मच गया। बता दें कि छापा मारने के लिए पुलिस ने मौके पर वहां से दो युवकों को पकड़ा है। जैसे ही पुलिस उन्हें बाहर लेकर आई तो दोनों युवक पुलिसकर्मियों से अपना हाथ छुड़वाकर भाग गए, जहां काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने एक युवक को तो पकड़ लिया लेकिन दूसरा भागने में सफल रहा। होटल और कैफे खंगालने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली रहे और इस दौरान सिविल लाइन पुलिस, शहर थाना पुलिस व महिला थाना पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। ये नहीं सिर्फ अपने शहर और सिटी के अंदर नहीं, सारे कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज हमने सिविल लाइन एरिया, सिटी एरिया और सदर एरिया के कई होटल थे, जैसे जन्नत होटल है, अभिनंदन है, वेलकम होटल है गांड रोड पर, सभी पर रेड करी। और पहले जो आपने कैफे वाले उनको 31 तारीख तक का अल्टीमेट दिया हुआ था। हाँ बिल्कुल, कंबाइंड रेड की गई है, उसके अंदर आज सदर इलाके का SHO को भी शामिल किया गया है। SHO वुमेन, SHO सिविल लाइन और सिटी गार्ड आपके सामने खड़ा ही है और हमने कंबाइंड रेड की है और सभी पे, मतलब भिन्न भिन्न स्थानों पर जहाँ जहाँ भी मतलब हमने शंका थी वहाँ वहाँ रेड की गई है और इसके ऊपर बड़ा सख्ती से आगे के आगे मतलब काम सुचारू रूप से चालू रहेगा और इसमें किसी को कोई बख्शा नहीं जाएगा। जिले में डेंगू का भय लगातार सता रहा है। डेंगू के 3 नए मरीज मिलने से लोगों और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इसके बाद अब जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेंगू से बचाव के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डेंगू से बचाव के लिए विभाग ने 550 ANM की टीमें लगाई हैं। इन टीमों की कुल संख्या 282 है। वहीं शहर में तो नगर परिषद की तरफ से फॉगिंग का कार्य लगातार करवाया जा रहा है लेकिन गांव में फॉगिंग की रफ्तार अभी भी ढीली है। इसी स्थिति में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि विभाग आमजन को इससे बचाव के लिए भी लगातार जागरूक कर रहा है। कैथल में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बता दूं कि कल देर शाम 3 डेंगू के मामले सामने आए हैं, उसके साथ साथ 39 टोटल डेंगू के मामलों की संख्या कैथल में पहुंच चुकी है। मैं मौजूद हूं कैथल के अंदर, जो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो लगातार डेंगू का जो प्रकोप है कैथल के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार जो CMO की बात करें उसके द्वारा एक जांच टीम भी गठित की गई है, लगभग 550 ANM की बात करें या वर्कर की बात करें उस टीम में शामिल किए गए हैं ताकि जो लार्वा लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है उसको रोका जाए। इसी को लेकर आज CMO द्वारा आज एक मीटिंग लेनी निश्चित की गई है और उन अधिकारियों को और जो ANM है उनको बुलाया गया है और लगभग बता दें कि 12 लाख से भी ज़्यादा घरों मकानों की जाँच की गई है जिनमें से 1420 जो लार्वा है कैथल जिले में पाया गया है और को लेकर उस लार्वे को तुरंत प्रभाव से नष्ट भी किया गया है। जो CMO द्वारा भी ये कहना है कि जो लगातार जो एक दिन का खड़ा जो पानी है, बात करें कूलर की या कूड़ा करकट है, तो उसको तुरंत प्रभाव से नष्ट कर देना चाहिए ताकि जो बात करें लगातार जो डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं ताकि उसको रोक सके। कैथल कैमरामैन उमेश के साथ मनोज मलिक, हर खबर हरियाणा।
गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है। जीएसटी करदाताओं को सौगात दी गई है, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की सौगात की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये सौगात देंगी। जीएसटी बिल लेने वालों को मिलेंगे करोड़ों के नाम। सेक्टर 15 पार्ट 2 में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी, जीएसटी करदाताओं को सौगात दी गई है, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की सौगात दी जाएगी। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये सौगात देंगी। जीएसटी बिल लेने वालों को करोड़ों के इनाम दिए जाएंगे। सेक्टर 15 पार्ट 2 में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बड़ी जानकारी गुरुग्राम से आप तक पहुंचा रहे हैं। जीएसटी करदाताओं को बड़ी सौगात दी जाएगी, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की सौगात दी जाएगी। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये सौगात देंगी। जीएसटी बिल लेने वालों को करोड़ों के इनाम मिलेंगे। सेक्टर 15 पार्ट 2 में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो जीएसटी से जुड़ी है जानकारी, जहां पर जीएसटी करदाताओं को बड़ी सौगात दी जाएगी, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की यह सौगात दी जाएगी, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये सौगात देंगी और जीएसटी बिल लेने वालों को करोड़ों के इनाम दिए जाएंगे। तो सेक्टर 15 पार्ट 2 में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी करदाताओं को सौगात देंगी। तो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की सौगात दी जाएगी। खबर चंडीगढ़ से है, जहां बीजेपी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि गुरुग्राम से 2024 के मिशन की शुरुआत हो गई है। मोदी सरकार और राज्य सरकार के अच्छे कामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह शंखनाद अभियान हरियाणा से शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा शंखनाद अभियान भारतीय वैल्यू के साथ, भारत के गौरव और भारत के ऐतिहासिक मूल्यों के साथ आगे बढ़े, इसलिए गुरुग्राम के गुरु कमल में ये कार्यशाला की गई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारा सोशल मीडिया विभाग सफलता के आयामों को छुएगा और केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने का काम करेगा। कार्यशाला के पहले सत्र का शुभारंभ राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने किया। संगठन मंत्री फणीन्द्रनाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी व मीडिया सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख डॉक्टर संजय शर्मा व केंद्र से आए एक्सपर्ट ने कार्यशाला कार्यकर्ताओं को जरूरी टिप्स दिए। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक रिश्वतखोर कर्मचारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गुरुवार को पटवारी के असिस्टेंट संजीव को विजिलेंस की टीम ने 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। असिस्टेंट ने फर्द में नाम चढ़ाने के लिए 10,000 रुपए की मांग की थी, जिसके चलते 2,000 पहले ले लिए और 8,000 एंटी करप्शन ब्यूरो टीम के सामने लिए, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने मौके पर उसे गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो इंस्पेक्टर की टीम ने तेजली स्थित पटवारी कार्यालय में रेड की। आरोपी संजीव पटवारी राहुल के पास असिस्टेंट लगा हुआ है। इंस्पेक्टर ने बताया कि शिकायतकर्ता हरीश भोला शिवशंकर नगर जगाधरी का रहने वाला है और उसका एक प्लॉट है। उस प्लॉट की रजिस्ट्री और इंतकाल उसके नाम है, लेकिन पटवारी की ओर से इंतकाल में उसका नाम रह गया। शिकायतकर्ता को बेटे के लिए एजुकेशन लोन लेना था, इसलिए फर्द में नाम चढ़ाने के लिए पटवारी कार्यालय के चक्कर में लग रहा था। और इस बीच जब वे परेशान हुआ तो पटवारी के असिस्टेंट संजीव ने 10,000 में काम कराने तय किया। उसका एक प्लॉट लिया था, उस प्लॉट का जो जमा बंदी थी उसमें उसका नहीं था। उस समय उसने लोन अपने लड़के को बाहर भेजने के लिए लोन लेना, उससे पटवारी ने फिर उसके साथ 10,000 रुपए में सेटिंग 2,000 पहले ले ली और आज 8,000 रुपए लेते उसके असिस्टेंट को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। से शांतिपूर्वक जगह खाली करने की अपील कर रहे हैं, अगर वे नहीं मानती तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हम लोग 8 तारीख से धरने पे बैठे हैं। 8 अगस्त से हम लोग चल रहा है हमारा लगातार शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा है। 28 तारीख से हमारा अच्छा चल रहा था। 28 तारीख को सरकार ने दमन करनी थी अपनाई है,
इन्होंने जो इतना पुलिस प्रशासन का इकट्ठा करके लड़कियों को मरवाया पिटवाया है और बसों से उतरवाया, हम लोग शांतिपूर्वक विधानसभा के उसमें रोष कूच के लिए जा रहे थे और इन्होंने रास्ते में हमारे लड़कियों को बसों से उतारा, उनको मारा पिटा। ये हमारे से छीना जा रहा है, हमारी सिर्फ मांग है, हमारी मांग है 26,000 नूतन वेतन, स्थायी कर्मचारी का दर्जा, कोई कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हम 8 तारीख से हमारा आंदोलन चल रहा है, तो हमें आज यहाँ बैठने से मना कर रहे हैं, जबकि हम 28 तारीख को जो हमारे साथ पुलिस प्रशासन ने किया, स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया है, तो ये ठीक नहीं किया है। यमुनानगर के तीर्थ नगर से संदिग्ध परिस्थितियों में 3 दिन पहले एक युवती ने छलांग लगा दी थी, जिसका शव इंद्री के गांव हनौरी के पास से पश्चिमी यमुना नहर से बरामद किया गया है। यमुनानगर के गोताखोर राजीव ने शव को अपनी टीम की ओर से बाहर निकाल करके परिजनों के हवाले कर दिया है। परिजनों को इसकी सूचना देर शाम को लगी तो उन्होंने पश्चिमी यमुना नहर में सर्च अभियान चलाया, लेकिन उसके शव का पता नहीं लग पाया। मृतका 12वीं की छात्रा है, जिसकी अपने परिजनों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके चलते छात्रा ने एक कदम उठाया। घर वाली दवाई वास्ते इसे कह रही थी, ले जाने वास्ते डॉक्टर के पास जानी थी, दवाई खाने से मतलब जैसे परहेज करती है डरती है, उसने थोड़ा सा डांट दिया था भाई चल डॉक्टर के पास, ये जानी रही थी तो इसी मतलब गुस्से में वो घर से निकल गई थी घर से। कहाँ पे कूदी? ये तीर्थ नगर जमुना का जो पुल है नया बना हुआ उस पर से। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 12वीं क्लास में। खेल विभाग के नियम से भावी खिलाड़ियों की सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। करनाल के नागरिक अस्पताल में रोजाना दर्जनों स्कूली छात्र अपनी मेडिकल जांच के लिए पहुंच रहे हैं और इन बच्चों को खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना है। खेल विभाग के नियम के मुताबिक भावी खिलाड़ियों को अपनी आयु प्रमाणित करने के लिए मेडिकल वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है और इस मेडिकल जांच में बच्चों के शरीर और दांतों के 5 एक्सरे किए जाते हैं ताकि इनकी आयु प्रमाणित हो सके, जबकि इन बच्चों के पास उनका जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र सहित कई अन्य सरकारी दस्तावेज मौजूद हैं। अगर अपने गेम में भाग लेना है तो हमें एज वेरिफिकेशन करवाना बहुत जरूरी है, अगर हम एज वेरिफिकेशन नहीं करवाते तो हमें वहाँ पर गेम नहीं खेलने दिया जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे एज वेरिफिकेशन करवाने आए कि हमने इस चीज के प्रूफ के लिए कि हमने अपनी उम्र बढ़ाई है या घटाई है, नहीं बढ़ाई है नहीं घटाई है, इसलिए हमें एज वेरिफिकेशन करवाना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये तो आपको मान लो जन्म प्रमाण पत्र है आपके या और डॉक्यूमेंट उसमें भी अंकित होती है? नहीं, सरकार उसे नहीं मानती है, हमें एज वेरिफिकेशन करवाना ही होता है। यहाँ पे जैसे हम स्पोर्ट्स में तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वाले एज वेरिफिकेशन मांगते हैं, तो यहाँ पे डेली हम आते हैं कि हमारा काम भी नहीं हो रहा है। एज वेरिफिकेशन में 4-5 टेस्ट होंगे, ठीक है, और एक्सरे होएगा, एक्सरे जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, दांतों का भी एक्सरे होता है और बॉडी के भी 4-5 एक्सरे होते हैं। यहाँ पे हम एज एस्टिमेशन करने आए, एज वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसके लिए आना। तो आपने खेल विभाग को अपने प्रमाण पत्र नहीं दिए इस बारे में? सब कुछ है, फिर भी वो मांगते हैं एज वेरिफिकेशन कि भाई पूरी एज बताए, मतलब तो मेडिकल जांच क्या कैसे होगी, आप पता है कुछ बताया क्या क्या होगा? टेस्ट वगैरह ही होते हैं, कभी दांतों का होता है, कभी एक्सरे होते हैं, और भी कई टेस्ट होते हैं। एक्सरे से निकलने वाली किरणें हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल है, इनसे कैंसर जैसे रोग जो है एक्सरे की इन किरणों के रेडिएशन के माध्यम से ही होते हैं,
तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम रेडिएशन एक्सपोजर दिया जाए। बच्चों को तो हमें जब नहीं जरूरत है तो अवॉइड करना चाहिए रेडिएशन एक्सपोजर, क्योंकि हमें नहीं पता कि बच्चे को कोई इमरजेंसी हो जाए और जीवन में और रेडिएशन देनी पड़ जाए। और हम कहते हैं कि जो मैक्सिमम AERB ने डोज डिसाइड कर रखी है पब्लिक एक्सपोजर के लिए वो 1 mSv पर ईयर है, तो हम अननेसेसरी रेडिएशन दे के उसका उसके लिए मरीज के लिए एक बच्चे के लिए एक दिक्कत ही पैदा कर रहे हैं।